ये वादिया स्टोर है जी, और हम गामजन हैं अल्ला वाली झील की तरफ। और ये रास्ते में एक सीन है, ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, कैसे खूबसूरत नज़ारे हैं। ये कहीं कहीं मकान भी बने हुए हैं, ये देखें, ये बहुत खूबसूरत मंजर है। ये हमारे साथ और भी दोस्त हैं लाहौर से। ये नीचे नीचे देखें कितनी ग्रीनरी है, नीचे ग्रीनरी है, ये खूबसूरत वादी है ये। और ऊपर देखें ये पहाड़ भी इसी तरह है। और यहाँ आज सख्त गर्मी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम अल्ला वाली झील की तरफ जा रहे हैं, अभी एक चंद मिनट की ट्रैकिंग है। आप ये देखें उसका खूबसूरत मंजर, ये पुल की फॉर्मेशन देखें जी, इंजीनियरिंग देखें लोकल लोगों की। इस पुल ने ये जो नीचे स्पोर्ट्स लगाई हुई हैं, ये स्पोर्ट्स हैं जिन्होंने पुल को उठा के रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरी वादी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अभी हम ज़िला स्तोर की वादी में मौजूद हैं। ये एक आपको प्लेन नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं अल्ला वाली झील। तो ये अल्ला वाली झील है जी, ये जो छोटा दरिया बह रहा है, इसके दरिया के बहने का अंदाज़ इस तरह है कि जैसे अल्ला लिखा हुआ हो। तो ऊपर से अगर इसका एरियल व्यू लें तो ये खूबसूरत दिखाई देता है। तो बहरहाल आप इसकी ये देखें, वह पहाड़ों के दामन में ये कितनी खूबसूरत वादी है, चारों तरफ पहाड़ देखिए।
घर भी हम बना देंगे। जिला अस्तूर के अंदर मौजूद हैं। ये उसकी तहसील है, अस्तूर तहसील भी है। और अस्तूर के अंदर चार बड़े पॉइंट्स आते हैं जो विजिट करने के काबिल हैं, दूर दूर से लोग जो है अल्लाह के साथ बात करने के लिए यहाँ आते हैं। बड़े मशक्कत करते हैं, मुश्किल सफर करने के बाद कुछ लोग बाइक्स पे आते हैं, कुछ लोग जीप्स पे आते हैं, कुछ लोग यहाँ आके जारी किए। आप शारे देखें, आप चश्मे देखें, आप रास्ते में हमने सैकड़ों चश्मे देखे। तो ये अल्लाह का हुक्म है। यहाँ अगर ये आप शारे ना होते, यहाँ अगर ये बर्फ ना होती, तो यहाँ मुमकिन ही नहीं था, किसी सूरत में भी पानी की अवेलेबिलिटी मुमकिन ही नहीं थी। यहाँ जिंदगी का सामान नामुमकिन था। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ जहाँ ड्रिलिंग मुमकिन नहीं है, जहाँ इंसानी बस में नहीं है कि वो पानी को प्रोवाइड कर सके, पानी को नीचे से निकाल सके, तो वहाँ अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बिल्कुल इसकी ज़रूरत ही नहीं रहने दी। तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सारा साल यहाँ बर्फ़ें पड़ी रहती हैं, चोटियाँ ढकी रहती हैं, सारा साल चश्मे जारी रहते हैं। और यहाँ इससे और एक तो ये पानी ज़ाहिर ज़िंदगी है और ये लोग जो हैं वाफर पानी इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा ये बड़ी बात यह है कि ये लोग इससे पन बिजली पैदा करते हैं, छोटे छोटे जनरेटर लगे हुए हैं और पन चक्की यहाँ चल रही है। सारा साल लोग जो बिजली है वो फ्री की इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग उन्होंने मुलाजम रखे हुए हैं। इस पिछले साल मैंने एक दोस्त को विजिट किया तो वो बता रहा था कि हम सिर्फ 350 रुपया सालाना सारे गाँव वाले देते हैं। तो जो एक बंदा जो जनरेटर के ऊपर जिसकी ड्यूटी है वो वहाँ उसकी तनख्वाह वो बेसिकली होती है। तो अल्लाह ताला ने इनको फ्री की बिजली भी दी हुई है इसी पानी की निस्बत से। पानी भी है, चश्मे हैं और दुनिया का बेहतरीन पानी, सेहत अफजा पानी। तो ये आज की हमारी यही सवाल है।
से कम नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। ये देखिए जी, ये छोटे छोटे कद की ये पता नहीं कोई नस्ल ही ऐसी होती है या हमारे तो बड़े बड़े साइज की गाय होती है। और यहाँ देखिए ये बुजुर्ग हैं जी, देखें इस उम्र में भी कितना वजन उठाए जा रहे हैं। ये देखें जी कैसे जा रहे हैं। ये है उनकी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नांगा पर्वत हमारे सामने मौजूद है जी। यहाँ से मैं इस वक्त अस्तोर में खड़ा हूँ, जिला अस्तोर में, और अस्तोर से ये नांगा पर्वत की चोटी जो है ये बिल्कुल आपको सामने आवाज़ नजर आ रही है। ये सामने हमारे नांगा पर्वत है। मजीद अगर आपको कुछ बाकी, इधर ये हमारे सराउंडिंग्स हैं, पीछे ये रिहायशी है जी। फिर भी आ जाए जी, ये देखिए एरिया वो सामने नांगा पर्वत।